तो जन विश्वास रैली में न सिर्फ आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां बल्कि कांग्रेस के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के लोग गांधी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं, जन विश्वास रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जन विश्वास रैली में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता ने अपना विश्वास दिया है, जनता अपने विश्वास के साथ हम लोग साथ खड़ी है। ये रैली में वो समर्थन दिख रहा है, उसी लेके हम लोग रैली में। आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये जन विश्वास रैली जो है, ये सिर्फ बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में जनता का विश्वास है। सैलाब उमड़ा है पटना की सड़कों पर। पटना की सड़कों पर नहीं, ये बाकी आपको चुनाव आने दीजिए, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर मिलेगा। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जन विकास रैली है महागठबंधन के तरफ से। आज बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं और अपने नेता राहुल गांधी के स्वागत में हम लोग सब खड़ी हैं। और पूरा विश्वास है कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। अपार भीड़ के साथ राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और यही महागठबंधन की रैली ही हम जनता जो इतनी त्रस्त है, बेरोजगारों को रोजगार देगी और महिलाओं को सम्मान देगी। जय हिंद। आपको लगता है कि बिहार की धरती से आज के बाद क्रांति का आगाज हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आज के बाद क्रांति का आगाज हो गया है। हो जाएगा नहीं, हो गया है। तो क्रांति का आगाज हो गया है सर, क्या क्या कहना चाहेंगे? बताइए बताइए सर। इस जन विश्वास महारैली में, ये महारैला है और एक तरह से ये क्रांति का आकाज है कि सत्ता पलटने की ये आकाज है। ये आपको लगता है कि जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है युवाओं का, आने वाला लोकसभा चुनाव में आप लोग बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे? निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन, ये जनसैलाब ही शो कर रही है, आपको दर्शा रही है कि आने वाला मॉर्निंग शोज डे आज बता रही है कि कल क्या होने वाला है। हमारे जितने नौजवान नेता है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, बिहार के साथ साथ देश को भी नौजवान बनाएंगे। देखिए, ये इतिहास आज रचने का काम गांधी मैदान में हो गया है और ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा महारैली होने वाला है, जो आपको 1 बजे के बाद सारे मीडिया दिखाएंगे और कुछ जो गोदी मीडिया है जो नहीं दिखाएंगे, जिस खामियां ढूंढेंगे। लेकिन बिहार ने आज क्रांति का नींव रख दिया है और संदेश दे दिया है कि यहां से हम लोग सरकार को कबाड़ के बिहार से फेंक देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नींद उड़ जाएगा आज, नींद उड़ा देंगे प्रधानमंत्री मोदी का। अगर दम है तो ईमानदारी से चुनाव करा के देख ले बिहार में, 5 सीट पर साफ कर देंगे मोदी जी। आज का रैली इतिहास बनने वाला है और चैलेंज देते हैं नरेंद्र मोदी को, अगर दम है तो करके दिखा दे इतना बड़ा रैली, चैलेंज देते हैं जी। पटना महानगर कांग्रेस जिंदाबाद। पटना महानगर के लोग हैं और ये लोग कह रहे हैं कि बिहार की धरती से क्रांति का आगाज हो गया है। आप बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है पटना की सड़कों पर। ये एनडीए की सरकार मोदी और नीतीश जी को दिखाना चाहता है कि इंडिया गठबंधन में कितनी ताकत है जी। आपको लगता है कि 2024 में बदलाव हो जाएगा? एकदम बदलाव हो गया कि हो जाएगा क्या? जनसैलाब उतरेगा, समय आने दीजिए। नेता लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा नहीं, हो चुका है, पटना की सड़कों पर लोगों का जनसैलाब यही कुछ कह रहा है। ये देखिए क्या क्या नज़ारा है पटना की सड़कों का। एप, एप, एप। कहां से आए हो जी? सोलापुर, सोलापुर से आए, बाईपास, बाईपास सोलापुर, गांधी मैदान। हाँ, रहना चाहिए। इस तरह से लोग जो है पटना की सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता उतरे हैं, इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
17 महीने में काम कर रहा तो पटना की सड़कों का अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। महागठबंधन की जन विश्वास रैली में लोगों का हुजूम उमड़ा है, आम जनता का हुजूम उमड़ा है और जन विश्वास रैली में विश्वास जताने आए हैं। देखिए किस तरह महिलाएं नाचते गाते पहुंच रही हैं और ये देखिए महिलाएं नाचते गाते रैली में जा रही हैं और ये अद्भुत नज़ारा है पटना की सड़कों का, जन विश्वास रैली का। बुजुर्ग महिलाएं को देखिए जो 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 लोग चल नहीं सकते, चलने में मुश्किल है, वो भी पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लोग नालंदा जिले के हिलसा से आए हैं ये, और ये बताइए कि आप लोग नीतीश कुमार जी के गढ़ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? इस बार नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा को सबसे ज़्यादा वोटों से, मैं नालंदा से ही हम लोग हराएंगे उनको, और सबसे ज़्यादा उनका जो है उखाड़ फेंकने का हवा नालंदा जिला से ही शुरुआत होगा। ये बताइए 17 साल बनाम 17 महीने आप लोग कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि ये सब ढकोसला है, सब मैंने किया, आप लोगों ने देखा है कि अगर उन्होंने किया है तो 17 महीने पहले उनकी सरकार क्या कर रही थी, सोई हुई थी। जब से आदरणीय तेजस्वी जी हमारे गठबंधन में आए, लोगों को जिस तरह से शिक्षकों का लोग और 5 लाख नौकरी देने का जो उनका वादा था, उन्होंने गठबंधन के साथी के रूप में उन पर दबाव बना करके और लोगों के जनहित में कर करके उनसे करवाया गया है। आप लोग बताइए जी क्या कहना चाहती हैं, लोगों का सैलाब उमड़ा है सड़कों पर। मोदी जी ने बहुत कड़वी दवाई बोल के जहर पिला दिया, अब जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। अब हम लोग सब लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं, हम भी परिवर्तन चाहते हैं और विश्वास के साथ इस रैली में आए हैं कि हमारे माननीय यादव जिंदा कुछ करके दिखाएंगे। जी तो कह रहे हैं सब कुछ हमने किया। नीतीश जी यदि सिर्फ जनता के बारे में सोचते तो नीतीश जी पलटते नहीं, वो तो पलटू राम है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जहाँ तक लालू यादव के बारे में कहते हैं कि बर्बाद करके रख दिया नीतीश जी, घर घर दारू बेचवाए, आज दारू बंद कर दिए, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, खिचड़ी खिलाया जाता है। परिवारवादी है तो जो लोग परिवार से नहीं जुड़े हैं वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे है? जो लोग खुद परिवार के, मोदी जी ने जिसने पत्नी के बारे में नहीं सोचा वो देश की नारियों के बारे में क्या सोचेंगे? घर के बारे में वही बोल सकता है जो उसके दर्द को समझता है। आज हर एक बहन तेजस्वी यादव के लिए एक राखी बन के आई है, हर एक माँ तेजस्वी यादव के लिए एक प्यार का आंचल बन के आई है। ये कह रही हैं कि तेजस्वी यादव के लिए ये महिलाएं माँ का आंचल बन के आई हैं और उन्हें 2025 में मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से जो है ये नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से आए हुए लोगों का कहना है। हम आपको बताएं कि इस रैली में न सिर्फ युवा बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर उतरी हैं और गांधी मैदान की ओर जा रही हैं। आप कहां से आई? वैशाली से, वैशाली हाजीपुर। क्या कहना चाहती हैं, आज आप गांधी मैदान जा रही हैं, जन विश्वास रैली में जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग चढ़ पढ़ के भाग ले रहे हैं और इस बार 2024-25 में हमारे तेजस्वी जी आएंगे। लोगों में उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है, तो आप देख ही रहे हैं। हम लोग हाजीपुर से हैं, जिला महासचिव है आरजेडी का, और महिला का उत्साह देखिए कितना उत्साह है, हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं।